हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं अपनी क्रॉकरी कहाँ से लेती हूँ, कहाँ से ज़्यादातर सामान लेती हूँ। तो नॉर्मली मैं सामान आइकिया से लेती हूँ, बट हाँ कभी कभी ना सुपर स्टोर या वॉलमार्ट में भी बहुत अच्छे मुझे बर्तन मिल जाते हैं। और मेरे को ना इन प्लेट्स और इन बोल्स के बारे में बहुत बार रिक्वेस्ट आती है, तो ये वाली मैंने ली थी सुपर स्टोर से और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए थे। और एक बार ऐसे ही चक्कर लगा तो वहाँ पर स्पून्स मिल गए जो मैं लेके आ गई। एक ये वाला सेट है, ये कुरेल का ही, ये हमें गिफ्ट मिला था फ्रॉम वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो ये भी हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज मुझे ना ऐसे स्क्वायर प्लेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ओवर द टाइम इकट्ठी करी हैं, और उनमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ना स्पेस सेविंग के लिए काम आती है। आफ्टर ऑल इंडियन किचन क्लीनिंग की बात करी जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडियन फैमिलीज़ में एटलीस्ट दो टाइम खाना ना बने। किचन में जितना काम होगा किचन उतनी ही मैसी रहती है। उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्पेस भी बचाते हैं और आपके किचन को क्लीन रखने में ना काफ़ी एसेंशियल होते हैं। उनमें से एक ये मैंने लिया था, ये होल्डर में आप पॉट्स या लिड्स भी लगा सकते हो छोटे, या अदरवाइज प्लेट्स भी लगा सकते हो। ये मैंने स्पेसिफिकली कुछ बोल्स रखने के लिए रखा है क्योंकि मेरे बोल्स जो एवरीडे बेसिस पे यूज़ होते हैं ना, ये उनमें से एक नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ स्पेस बचाई जाए अपने रेगुलर ड्रॉअर में से, उसको निकाल के अलग रखा जाए। और उसके नीचे की स्पेस में मैं छोटे वाले ग्लासेस लगा रही हूँ, तो इसी बहाने कुछ कुछ स्पेस भी बच जाती है, किचन क्लीन भी रहती है, और जो रोज का सामान है ना उसके अंदर आपको नया सामान नहीं रखना पड़ता। टॉकिंग अबाउट कुछ नई नई चीज़ें, ये मैंने रिसेंटली मंगाए थे शीन से, और ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। वैसे मैं प्लास्टिक के बॉक्सेस ज़्यादा मंगाने पे बिलीव नहीं करती, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने घर में ज़रूर यूज़ करते हो, एंड ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्लास्टिक यूज़ हो ही जाती है। ये मैंने स्पेसिफिकली मंगाई है शार्लेट की बेरीज या स्ट्रॉबेरीज को स्टोर करने के लिए। काफ़ी सारी मैंने इनकी वीडियोज़ देखी और काफ़ी एसेंशियल प्रोडक्ट है ये, अगर आपको बेरीज या स्ट्रॉबेरीज रखनी है तो। ये मैंने स्पेसिफिकली मंगाए हैं अपने फ्रिज के अंदर, जो बची कुछ टमाटर प्याज जो चीज़ें कुछ खो जाती है ना फ्रिज में, उनको रखने के लिए। और ये अभिषेक लेके आया था, बीइंग अ शेफ वो ये बहुत यूज़ करता है, तो नाइफ़ को शार्प करने के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। पहले जब तक अभिषेक कनाडा नहीं आया था, मुझे याद है मैं हर 3 या 4 महीने में एक नया नाइफ लेती थी, बट जब से ये टूल आया मेरे किचन में ना, तो बहुत ईजी हो गई है लाइफ। बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं अपने किचन को क्लीन रख करने के लिए यूज़ करती हूँ। उनमें से एक है जो सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड होती है, मैंने अपने घर में नहीं बहुत जगह और भी देखा है, वो है डोर हैंडल्स। भले वो फ्रिज के डोर हैंडल्स हों या माइक्रोवेव के हो या हमारे कैबिनेट के हो, सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड होते हैं ये। इनको एवरी डे अगर आप सिर्फ 2 मिनट्स निकाल के भी इनको क्लीन कर लो ना, तो आपके जितने डोर हैंडल्स हैं इतने चमकते हैं, इतने शाइन करते हैं ना, उससे ऑटोमेटिकली आपका किचन क्लीन लगता है। उसके अलावा हर चीज़ को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज रखना भी किचन क्लीनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये मैंने ना लेटेस्ट शार्लेट के लिए परचेज़ करा है अमेजोन से, ऑल दो ये $9 के आए हैं जो मेरे को अभी तक भी वर्थ इट नहीं लग रहे हैं, बट हाँ शार्लेट ये वाला बेंटो बॉक्स यूज़ करती है, और इसके अंदर जो रेगुलर जो बच्चों के जो छोटे वाले भी फोक नाइफ है ना, वो भी नहीं आते फिट, तो उसके लिए मैंने परचेज करके रखे हैं। और आई होप अगर आपके बच्चे भी ऐसे बेंटो बॉक्स यूज़ करते हैं तो आपके लिए भी ये काम के हों। फ्रेंड्स, वी ऑल नो घर में क्लीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और फॉर दैट आई एम गोइंग टू शेयर दिस अमेजिंग वैक्यूम क्लीनर फ्रॉम होनीचर। दिस इज़ देयर F12 कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। आई एब्सोल्युटली लव कॉर्डलेस कॉन्सेप्ट बिकॉज इसकी वजह से ना सब कुछ मेस फ्री होता है, और जो वैक्यूमिंग होती है ना वो कोई जॉब नहीं लगती है, इट कम्स रियली हैंडी। मैंने बॉक्स ओपन किया, बॉक्स ओपन करके देयर आर सर्टेन अटैचमेंट्स दैट कम विद इट, और उसके साथ साथ में है वैक्यूम और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं आपके साथ अभी क्विकली शेयर करने वाली हूँ। वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस वैक्यूम क्लीनर बॉक्सेस कि जो भी जितने डिटेल्स हैं रिगार्डिंग हाउ टू यूज़ इट, वो सब कुछ बॉक्स पे भी लिखा है। सो अटैचमेंट्स में है 3 ब्रशेस जिसको मैं यूज़ करके अभी आपको दिखाने वाली हूँ इन अ वेरी क्विक रिव्यू। एंड अलॉन्ग विद दीज 3 ब्रशेस देयर इज ऑल्सो अ क्लीनिंग ब्रश। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ वैक्यूम क्लीनर को एटलीस्ट वीकली बेसिस पे क्लीन करते रहना चाहिए फॉर देयर लॉन्गर शेल्फ लाइफ। एंड देन साथ में एक और HPA फिल्टर ब्रश है which is going to be very very handy in the future, and then साथ में since it's a cordless vacuum cleaner तो उसको stick करने के लिए wall पे लगाने का यहाँ option है, साथ में है adapter और उसको wall पे लगाने के लिए हैं 2 screws। It comes with a manual and it's very easy to operate. वैक्यूम क्लीनर की बॉडी कुछ ऐसी है, एंड उसके साथ मैंने देखा ये एडजस्टेबल था which is something new to me, and then मैंने उसमें वैक्यूम क्लीनर को अटैच कर दिया है। एंड एज आई सेड इट्स फ्रॉम अ ब्रांड दैट आई हैव ऑलरेडी यूज्ड
बिफोर एज वेल, तो आई पर्सनली नो कि ये बहुत अच्छा काम करने वाला है. वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट वैक्यूम क्लीनर इज कि जब ये कॉर्नर्स में जा रहा है तो इसको मोड़ने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू हैव यूज्ड मैनी वैक्यूम क्लीनर, दीज आर द थिंग्स दैट यू रियली लुक फॉरवर्ड टू. वैक्यूम क्लीनर बहुत ही हैंडी है एंड बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट्स यू कैन यूज इट फॉर वेरियस यूजेस. सिंस टुडे आई एम डूइंग दिस किचन क्लीनिंग रूटीन, तो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द अटैचमेंट्स विद यू. और ये वाली अटैचमेंट स्पेसिफिकली यूज़ होती है एकदम पतले, एकदम नैरो जगह पे लग करने के लिए क्लीन, जहाँ पे एक रेगुलर वैक्यूम या रेगुलर ब्रशेज नहीं जा पाते हैं. एंड वन थिंग इज़ रियली नाइस, इसमें आपको लगातार इसको प्रेस नहीं करके रखना पड़ता बटन को, यू जस्ट प्रेस इट वंस. बिकॉज ऑफ सो मैनी ब्रश सेटिंग्स दैट कम्स विद दिस वैक्यूम क्लीनर, इट इज़ रियली ईजी टू क्लीन सम टारगेटेड एरियाज इन योर हाउस. मैं स्पेसिफिकली यूज़ करने वाली हूँ इस वाले ब्रश को फॉर माई कुशंस, फॉर माई मैट्रेस एंड फॉर माई सोफ़ा. वेयर एज ये वाला ब्रश मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने अंडर द टेबल यूज़ करने के लिए, या अपने रेफ्रिजरेटर के नीचे जो स्पेस होती है उसको क्लीन करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है. और अगर इसको क्लीन करने की बात करें तो इसके पीछे एक बटन है, जैसे बटन आप प्रेस करोगे एकदम स्नैप करके ओपन हो जाता है. एंड देन उसके साथ जो है फिल्टर वाली सेटिंग है, आपको उसको थोड़ा सा खोलना है, ट्विस्ट करके खुल जाएगा और उसको आप क्लीन करना. माई रिकमेंडेशन इज़ टू क्लीन योर वैक्यूम क्लीनर वंस एवरी वीक, इससे उसकी लाइफ और लंबी होती है. ट्रस्ट मी, आई हैव यूज्ड मैनी ऑफ देम. If you are interested to buy a vacuum cleaner for your house or to gift it to your friends and family during this holiday season, make sure to check out the link in the description box. तो क्लीनिंग को थोड़ा सा पॉज देके अभी रेगुलर रूटीन के लिए लंच भी रेडी करना है. और उसके लिए आज मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्जी, और उसके लिए मैं ले रही हूँ कुरियंडर सीड, जीरा और साथ में सौंफ. और इसको आपको अच्छे से कूटना है, और ये मसाला आपको हाफ यूज़ करना है गट्टे बनाने के लिए और हाफ यूज़ करना है आपको उसकी सब्जी में डालने के लिए. तो फिलहाल मैं बना रही हूँ गट्टे. इसके लिए मैंने लिया है बेसन, आधा कप बेसन लिया है, उसमें डाली है हींग, नमक, मिर्च, हल्दी, और उसके अलावा उसमें डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी. उसको अच्छे से मिक्स करना है, और जो हमने मसाला कूट के रखा है वो मसाला ऐड करना है उसके अंदर. अब उसमें डालना है देसी घी और तेल, और उसको अच्छे से मिक्स करना है. एंड देन मिक्स करने के बाद जो उसमें डालनी है एक चम्मच दही, और दही डालने से ना ये काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे. और उसके बाद ऐड करना है हल्का सा पानी, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम लगने वाला है. एकदम हल्का हल्का पानी डाल के आपको इसका सॉफ्ट सा एक आटा गूंद लेना है, और जब वो अच्छे से गूंद जाए उसके बाद आपको उसको 5 मिनट और अच्छे से गूंदना है, सो डैट उसे एकदम सॉफ्ट गट्टे तैयार हो जाए. तो इससे मैंने करीब 5 से 6 गट्टे बना लिए हैं, और आपको उसको अच्छे से मलना है क्योंकि उसी से वो काफ़ी सॉफ्ट बनने वाले हैं. और अब इनको बॉईल करना है. बॉईल करने का आपको पता कैसे लगेगा कि अच्छे से बन गए, तो उस पर ना ऐसे छोटे 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 दाने से निकल जाएंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि गट्टे पक्के हो गए हैं रेडी. इन द मीन टाइम दूसरे पैन में मैं ले रही हूँ देसी घी, और देसी घी अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था सबसे पहले कूट के, वो मसाला मैं ऐड करने वाली हूँ. और उसके बाद जो इसकी बेसिक रेसिपी है वैसी होगी, बड़े थोड़ा सा स्पाइसी बनता है, तो इसमें हरी मिर्च पहले ही मैं काटी हुई डाल रही हूँ, एंड देन उसके अंदर प्याज ऐड करिए. इतना देर में हम देख रहे हैं गट्टे भी पक्के रेडी हो गए. देखो जैसे मैंने बताया था छोटे छोटे से ऐसे दाने से निकल जाएंगे इसमें, तो मैं सारे निकाल के बाहर उसको रूम टेम्परेचर पे जब तक नहीं आता है तब तक मैं उसको बिल्कुल कट नहीं करने वाली हूँ. तो अभी ऐसे बन के रेडी हो गए हैं, और अभी मैं थोड़ी देर में से कट करूँगी. प्याज भून गई है, उसके अंदर मैं मसालों में फ्रेम सिर्फ हल्दी ऐड कर रही हूँ, और इसके अंदर आप देगी मिर्च ऐड कर लेना. उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ. बाकी मैंने दही में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और साथ में जीरा पाउडर ऐड किया है, और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ. दही एकदम आपको बढ़िया से फेंटनी है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए दही के अंदर, अदरवाइज़ दही फट सकती है. और दही हमेशा रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए जब भी आप इसको सब्जी में ऐड करने वाले हो, अदरवाइज़ दही तब भी फट सकती है. तो मैंने इसको अभी जो मैंने अपना प्याज और टमाटर बनाया है उसमें अच्छे से इस दही को मिक्स करने वाली हूँ, और करीब 10 से 15 मिनट तक आपको इसको पकाना है. और अब गट्टे भी ठंडे हो गए हैं, तो उसको मैं तेल में हल्का सा फ्राई कर रही हूँ. आप चाहो तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्राई करो, बट फ्राई करने से अच्छा टेक्स्चर आ जाता है. तो जिस पानी में हमने गट्टे को बॉईल किया था ना, वही पानी मैंने थोड़ा सा बचाया है, और अब वो पानी मैं ऐड करके उसको 5-7 मिनट और पकाऊंगी, और उसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ मैं गट्टे. गट्टे ऐड करने के बाद डालना है इसमें थोड़ी कसूरी मेथी, गरम मसाला और धनिया.
मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है गट्टे की सब्जी और सनी ने खा ली है, सनी को बहुत पसंद आई है, अभिषेक ने भी खा ली है। नेक्स्ट टाइम जो मैं सोच रही हूँ मैं इसके अंदर प्याज नहीं डालूंगी, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे प्याज का टेस्ट इसमें इतना पसंद नहीं आ रहा। नेक्स्ट टाइम मैं इसमें सिर्फ टमाटो प्यूरी ही डालने वाली हूँ, वो ही मेरे को चेंज करना। आप प्याज डेफिनेटली डाल सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्याज इसके साथ इतनी बढ़िया नहीं जा रही, बट एक बार जरूर ट्राई करना। ये मेरा खाना है, मतलब मैंने तो अच्छे सजा ली है अपनी प्लेट और देखने में तो बहुत ही बढ़िया बनी है, मेहनत जरूर लगी है बट बहुत अच्छी बनी है सब्जी। तो कमिंग बैक टू माई किचन क्लीनिंग रूटीन, चिमनी जो हमारी चिमनी होती है, गैस स्टोव होती है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको आपको एवरी डे नहीं तो हफ्ते में एक बार तो जरूर क्लीन करना चाहिए, बिकॉज द अमाउंट ऑफ कुकिंग जो होती है हमारे किचन में, इनको भी पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्लीन करने वाली हूँ अपने डिश वॉश में, अगर आपके पास डिश वॉश नहीं है तो आप सिंक के अंदर पानी भर के उसमें डिश सोप डाल के भी इसे क्लीन कर सकते हो। एक और चीज़ जो मैं हमेशा क्लीन करती हूँ एवरी 3 डेज में, वो है मेरा फ्रिज और मेरे फ्रिज के हैंडल, क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला एक अप्लायंस होता है हमारे घर में। एक और चीज़ जो मैं एवरीडे बेसिस पे करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है करना, इतने सारे बर्तन धुलते हैं, इतनी सारी हम चीज़ें वॉश करते हैं अपने सिंक में। होममेड सॉल्यूशन भी है जिसमें आपको डालना है पानी, बर्तन धोने वाला थोड़ा सा साबुन 1 चम्मच और 1 चम्मच या 2 चम्मच आप इसमें डाल सकते हो विनेगर। उन सबको मिक्स करने के बाद भी आप अपने सिंक को अच्छे से वॉश कर सकते हो। अगर आपके पास एक रेगुलर ब्रश है या कोई स्क्रब है आप उससे भी अच्छे से वॉश कर सकते हो। एक और चीज़ है हमारी टैप जिसको मैं अच्छे से रोज सुखाती हूँ सो डैट उस पर वाटर मार्क्स ना पड़े। उसके अलावा जो भी एसेसरीज आपके बर्तनों के पास रखी होती है, जैसे कोई हैंड वॉश करने की होल्डर होता है या टिश्यू होल्डर होता है, उन सबको भी क्लीन करना ही चाहिए टाइम टू टाइम। जो अभी सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है सिंक को क्लीन करने का, सेम वही सॉल्यूशन से आप अपने घर की टाइल्स को क्लीन कर सकते हो, इवन अपने किचन के बहुत सारे अप्लायंसेस को भी आप उससे क्लीन कर सकते हो। तो वो सॉल्यूशन बहुत ईजी है, ईजीली अवेलेबल है हर घर में, तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट। यहाँ पे भी अभी इसके अंदर मैंने वही सॉल्यूशन मिक्स करके डाला हुआ है एंड इट ऑलवेज वर्क। ऑल्दो ऑनलाइन शॉपिंग करने से मैं थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ बट कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि ये जो लिड होल्डर है, एक छोटी सी जगह पे लिड होल्डर लग गया एंड आई थिंक इट वॉज अराउंड $2 ओनली। तो जो स्पेस बचाते हैं ना उन जगहों पे मैं इन्वेस्ट करना हमेशा नहीं भूलती, मेरे को लगता है वो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। और एक और चीज़ जो मैं ऑलमोस्ट एवरीडे करती हूँ, जितने भी मेरे अप्लायंसेस है, अगर आपने नोटिस किया तो मैंने अपने किचन के में ना काउंटर टॉप पे मिनिमल अप्लायंसेस रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता काउंटर टॉप भरा हुआ, तो वो अप्लायंसेस रोज हटा के क्लीन हो जाता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी होती है ना, इट्स रियली हार्ड टू क्लीन एवरीथिंग अप। एक और चीज़ है बैक स्प्लैश, बैक स्प्लैश के साथ साथ किचन का जहाँ पे आप स्टोव पे खाना बनाते हो उनको क्लीन करना, ये मैं एवरीडे क्लीन करती हूँ क्योंकि ग्लास कुकटॉप को आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। जितने भी स्टील की चीज़ें हैं ना ज़्यादातर मैं इससे साफ़ करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि उस पर जो निशान है काफ़ी हार्श पड़ गए हैं तो, अदरवाइज़ जो घर का बनाया सॉल्यूशन है वो तो हमेशा हैंडी रहता ही रहता है। उसके अलावा जो ये जहाँ पे इतना ऑयल कलेक्ट होता है ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू क्लीन इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि इससे कई बार फायर भी कैच हो जाती है अगर ऑयल ज़्यादा होता है तो। ये मेरा फेवरेट चॉपिंग बोर्ड है हार्ट शेप का, और कितना ऑयल कलेक्ट कर लेता है ये, क्योंकि थोड़ा सा लीक भी हो जाता है ऑयल एवरीडे यूज़ करते करते भी। तो एक ये है जिसको मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन में क्लीन करती ही रहती हूँ, और स्पेशली द बॉटल्स। सो फाइनली किचन काउंटर टॉप एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। जितने मेरे पास अप्लायंसेज हैं, 1-2 अप्लायंसेज मैंने बाहर रखे हुए हैं, और जितने भी कुछ सामान बाहर रखा है उनको सबको हटा के अच्छे से क्लीन कर लिया है, बैक स्पेश अच्छे से क्लीन हो गया है। बट देर इज़ वन मोर थिंग, ये हम लोगों ने बनवाया था फॉर अ डेकोरेशन पर्पज कि यहाँ पे बॉटल्स रखेंगे, इट विल लुक रियली गुड। इंस्टेड बॉटल्स तो यहाँ पे रखी हुई हैं, उसके अलावा मेरी आईलैश ग्लू तक यहाँ पे रखी हुई थी, देर इज़ सो मच स्टफ देयर। यही प्रॉब्लम होती है कि जब बहुत सारी हम स्पेस बनवाते हैं ना तो उसमें इंस्टेड चीज़ें रखने की जगह अलग अलग चीज़ें और रख देते हैं,
तो उसको भी क्लीन मैं कर रही हूँ, और उसको क्लीन करने के बाद अच्छे से उसमें वापस बॉटल्स लगाने वाली हूँ। एंड आई हैव फाउंड सो मच स्टफ फ्रॉम हेयर, मेरे को लगा भी नहीं था कि इतना कुछ इसमें से मिल जाएगा, अ नेल पेंट, अ लिपस्टिक, इवन ए ग्लू, पता नहीं क्या क्या सामान इसमें से निकला है। इसको अच्छे से क्लीन करूँगी एंड देन बॉटल्स वापस लगाऊँगी। तो आफ्टर अ बिजी क्लीनिंग डे मैंने डिसाइड किया कि मैं रात को एकदम सिंपल हॉट एंड सॉर सूप बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है चिकन हॉट एंड सॉर सूप बनाना। आप इसमें चिकन स्किप कर दो तो वेज हो जाएगा, और दिन के बचे गट्टे की सब्जी में आधी कटोरी सब्जी बची है जो कि मैं रखने वाली हूँ, और रात को अभिषेक ने आना है और सन्नी ने आना है, तो इनमें से कोई एक तो खा ही लेगा इसको और साथ में सूप भी इंजॉय कर लेंगे। सूप की रेसिपी बहुत ही सिंपल है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। तो तेल में मैंने ऐड करा है यहाँ पे अदरक और लहसुन, काफ़ी सारा बारीक चॉप करा हुआ है। विंटर सीजन के लिए बहुत अच्छा होता है अदरक लहसुन ज़्यादा खाना। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कैबेज, कैरेट्स और साथ में है थोड़ी कैप्सिकम, बहुत फाइन चॉप करा है मैंने। एंड यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिकन स्टॉक, ये घर का ही बना चिकन स्टॉक है। उसको डालने के बाद काफ़ी फ्लेवर आता है उससे, जब तक मैं एक अंडा बीट करके रख रही हूँ, जितने में वेजिटेबल सारी बॉयल होंगी हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, विनेगर, और इसमें हल्का सा मैंने डाली काली मिर्च, और इसके अंदर अब डालना है फिटे हुए अंडे। एग्स डालने के बाद जिसमें मैंने चिकन बॉयल करा था स्टॉक में, वो चिकन मैं निकाल के श्रेड कर लिया था, तो चिकन ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सॉल्ट और ऐड करना है आपको अपने फ्लेवर या टेस्ट के हिसाब से, और वो ऐड करने के बाद उसको अच्छे से करना है मिक्स, और ये बन के रेडी हो जाएगा। कॉर्नस्टार्च लास्ट में डालना है, कॉर्नस्टार्च के स्लरी डालने के बाद सूप थोड़ा थिक हो जाएगा। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सूप्स में से एक है ये, और बस मैं वही सर्व करने वाली हूँ फॉर द डिनर। शार्लेट और मैं तो खूब इंजॉय किया था, सनी अभिषेक बता रहे थे कि उनको भी बहुत अच्छा लगा। ऊपर मैंने अपने लिए डाली है चिली ऑयल, मुझे बहुत अच्छा लगता है चिली ऑयल ऐड करना, बट शार्लेट के लिए मैंने ऐसे रेगुलर ही दिया है उसको। तो आई होप कि आपको ये इंडियन किचन क्लीनिंग रूटीन पसंद आई होगी। आई रियली रियली होप कि आपको ये गट्टे की सब्जी बहुत पसंद आएगी अगर आपने अभी ट्राई नहीं करी है, और ये चिकन हॉट एंड सॉर सूप तो मस्ट हैव है फॉर दिस विंटर सीजन। अभी मैं बस जल्दी से अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी, कल की रूटीन स्टार्ट होनी है उसकी कर रही हूँ तैयारी। बादाम भिगो लिए हैं, काले चने भिगो लिए हैं, क्योंकि भाई अपनी रूटीन तो एक रात पहले ही स्टार्ट हो जाती है, राइट? सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ ऑन फ्राइडे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।